नीमच शहर के जैन भवन में आज युवा समाज सेवी स्वर्गीय दीपक मारू पिंटू की प्रथम पुण्य स्मृति के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रेड क्रॉस के सहयोग से रक्तदान शिविर शुक्रवार सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुआ। श्री भीड़ भंजन पार्श्वनाथ मंदिर ट्रस्ट, श्री जैन नवयुवक मंडल एवं मारू परिवार कुकड़ेश्वर वाले के नेतृत्व में रक्तदान शिविर दोपहर 3 बजे तक चला। मारू परिवार के सदस्य राजमल जैन व मनीष जैन ने बताया कि शिविर का आयोजन आमजन के हित को देखते हुए किया जा रहा है। शिविर में रक्तदान करने वाले रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र, गमले सहित पौधा और पक्षियों के पानी के सकोरे देकर सम्मानित किया गया। रक्तदान शिविर में राजमल मारू, मनीष मारू, दिलीप छाजेड़, बसंत बाफना, दीपक विरानी, कमलेश गोपावत, नीलेश गुप्ता, निमेश चेलावत, संगीता कोठारी, नेहा विरानी, प्रीति चेलावत, डिंपल कोठारी का सहयोग रहा। ये भीड़भंजन पाश्चात मंदिर ट्रस्ट नीमच और लाभार्थी राजमल, दीपक कुमार, मनीष कुमार, कुमार मारू परिवार द्वारा ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें युवा वर्ग अच्छे तरीके से ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और एक जागरूकता आई है। इसमें महिलाएं जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे, इन महिलाओं ने, बहुत सो ने इसमें ब्लड डोनेशन किया है और यही हमारा एक ही मैसेज है कि हमारे बड़े भैया दीपक जी मारू की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया है। ऐसा आयोजन हर परिवार अपने किसी की भी पुण्य स्मृति में चालू रखे और सभी को यहाँ पे जो भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनको हम एक गमला जो पर्यावरण के हिसाब से बहुत अच्छा रहता है और पौधा लगा के दे रहे हैं और साथ में एक सकोरा जो भी गर्मी है और जिसके अंदर पक्षी पानी और अपना दाना चुगने के लिए रहेगा। आज भीड़भंजन पार्श्वनाथ ट्रस्ट के द्वारा जो रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है उसमें काफ़ी रक्तदाता जो है रक्तदान कर रहे हैं। मानव सेवा के इस पुनीत कार्य को किसी अपने भाई की स्मृति में मारू परिवार ने चुना, इस तरीके से उस स्मृति को जीवंत करना वाकई उदाहरण है। अपने किसी भी चिर परिचित या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम किसी को चिर स्थायी रखने के लिए ऐसे पुनीत कार्य करते रहें, इसके लिए मारू परिवार को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी रक्तदाता यहाँ पर मानवता की सेवा के लिए रक्तदान कर रहे हैं इससे हम जरूरतमंदों को वहाँ पर रक्त उपलब्ध कराएँ। अब तक करीब 30 से 35 लोगों ने रक्तदान कर दिया है और सतत रक्तदाता जो है लाइन में है और रक्तदान कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात यह है कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर रक्तदान के लिए हिस्सा ले रही हैं। ये एक जागरूकता का विषय है क्योंकि महिलाओं में अगर हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा है तो निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि हमारी गृहिणी अगर हीमोग्लोबिन के रूप में अगर अच्छी है तो लोगों का पूरा परिवार भी हीमोग्लोबिन में अच्छा रहेगा, तो हमारे रक्तदाता बढ़ेंगे। मैं पूरे मारू परिवार को और अपने भजन पार्टनर ट्रस्ट है मैं उसको साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे रक्तदान शिविर उन्होंने आयोजित किया है।